मोदी की किसानों को बड़ी सौगात, जारी की 109 उन्नत बीजों की किस्में। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज बोले, क्लाइमेट जोन के अनुसार तैयार बीजों से होगी खेती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की किस्में। एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, कहा जम्मू कश्मीर में जल्द होगा चुनाव। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा यह कांग्रेस का काम है अराजकता फैलाना। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आज बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त किस्में जारी की। इस मौके पर पीएम ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 61 फसलों की 109 किस्मों को जारी किया, जिसमें 34 खेती की फसलें और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं। खेती की फसलों में मोटे अनाज, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, रेशा और अन्य संभावित फसलें सहित विभिन्न अनाजों के बीज जारी किए गए हैं। बागवानी फसलों में फलों, सब्जियों, बागान फसलों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की विभिन्न किस्में जारी की गई हैं। खेती के लिए देश के हर क्लाइमेट जोन के अनुसार बीजों की नई किस्में विकसित की गई हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अलग अलग फसलों के ऐसे 109 बीज तैयार किए हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 65 फसलों की 109 प्रजातियों के बीज तैयार किए गए हैं। मैं इन किस्मों के बीजों के उत्पादन के लिए वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि लैब से लेकर जमीन तक सीधे जानकारी जानी चाहिए। तीन अलग अलग जगह पर पीएम मोदी ने 109 किस्मों के बीज राष्ट्र को समर्पित किए। पीएम मोदी ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत की। 60 फसलों की 109 प्रजातियों के बीज तैयार किए। ये बीज जैसे बाजरे का एक बीज विकसित किया, आमतौर पर बाजरा 110 दिन में आता है, लेकिन 70 दिन में ही फसल आ जाएगी। कम पानी में भी और ज्यादा बरसात भी हो गई तो पहले ही कट जाएगी। जैसे धान की किस्म तैयार की जिसमें पानी 30% कम लगेगा सीधी बिजाई से, मतलब सीधे बो देंगे, रोपा नहीं लगाएंगे, और उसमें जो खरपतवार आएगी वो नीदा नाशक से समाप्त हो जाएगी। कम पानी लगेगा तो मजदूरी भी कम लगेगी, पैसा भी बचेगा। बागवानी की आम की ऐसी किस्में तैयार की जो जल्दी खराब नहीं होगी, दिखने में भी सुंदर हो, कलर स्वादिष्ट भी हो, जिसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। एक्सपोर्ट हम कर भी रहे हैं। आज मैं फिर एक बार अपने वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा, 109 नई किस्में किसान की जिंदगी भी बदलेगी, उनकी लाभ को भी बढ़ाएगी और जनता के लिए भी पोषण की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगी, हमारे एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएगी। 60 फसलों की 109। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। सिन्हा ने रविवार को कहा कि चुनाव आयोग के पास केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव तय करने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने उम्मीद भी जताई कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को श्रीनगर आए थे, उन्होंने उसी दिन कहा था कि जल्द से जल्द चुनाव होंगे। अभी चुनाव आयोग की टीम भी आई थी, पार्टियों और अधिकारियों से बात की गई है और साथ ही चुनाव की तिथि आयोग बताएगा। माननीय प्रधानमंत्री जब 20 जून को श्रीनगर आए थे तो योगा डे के अवसर पर, तो उन्होंने उस दिन ही कहा था कि जल्द से जल्द चुनाव होंगे। अभी इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम यहां आई थी, पॉलिटिकल पार्टी से, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से, सभी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके वापस गए।
चुनाव की तिथि क्या होगी, मुझे लगता है कि ये चुनाव अधिकार चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है और जैसा 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री जी ने संसद में कहा था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट देन असेंबली इलेक्शन देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम, उसी सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द हो जाएंगे। हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट को लेकर देश भर में हलचल मची हुई है। हिंडनबर्ग ने शनिवार रात को जारी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि सेबी प्रमुख माधवी पुरी, बुच और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के बिजनेस कनेक्शन है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कांग्रेस का एक ही काम है, देश में अराजकता फैलाना और देश को विवादित मामलों में उलझाए रखना। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा का हर कार्यकर्ता भारत को प्रगति और विकास के रास्ते पर ले जा रहा है। कांग्रेस सिर्फ भटकाने और सबको अंधेरे में रखने की कोशिश करती है, ये उनका शुरू से ही तरीका रहा है और वो इसी के अनुसार काम कर रहे हैं। कांग्रेस का एक ही काम है, देश में अराजकता फैलाना, देश को विवादित मामलों में उलझाना। प्रधानमंत्री जी एक मशाल लेकर, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक मशाल लेकर देश को विकास और प्रगति के मार्ग पर चला रहा है। कांग्रेस केवल भटकाने की कोशिश, अंधेरे में रखने की कोशिश, जो उनकी पद्धति रही है इतने वर्षों से, उसी पद्धति पे कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस का एक ही काम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 57 करोड़ से अधिक की राशि छात्राओं के खाते में सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की। छात्राओं को ये राशि सैनिटरी नैपकिन के लिए दी गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीता गीता का नाम रखने से कुछ नहीं होगा, उनके पीछे का इतिहास पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, भोपाल रविन्द्र भवन में आज स्कूली और उच्च शिक्षा की सभी बेटियों का सम्मान किया गया और रक्षाबंधन का उत्सव भी मनाया गया। इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे प्रदेश में रक्षाबंधन का उत्सव बहुत जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई। मेरी अपनी ओर से आज भोपाल रविंद्र भवन में स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा की सभी बेटियों का सम्मान भी किया गया। अलग अलग प्रतिभा, कोई एनसीसी, कोई एनएसएस, कोई पढ़ने में, कोई खेलने में, अलग अलग विधाओं की बेटियों का सम्मान करके रक्षाबंधन का जो उत्सव मनाया गया, मुझे इस बात की प्रसन्नता के पूरे प्रदेश के अंदर रक्षाबंधन का उत्सव पूरे जोश खरोश से मनाया जा रहा है। और ऐसे समय में जब हमारी अपनी बेटियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 33% का चुनाव में भी आरक्षण की जो घोषणा की, तो वो आनंद और बढ़ गया है। लेकिन ये त्यौहार हम सबको, बहन भाइयों के त्यौहार, आनंद से मनाने का एक मौका भी देते हैं। और आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।